हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस डॉट। आज हम कुछ देखने वाले हैं एंड गेम के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बेसिक प्लेयर जो बिगिनर्स है उनको तो खास देखना चाहिए वीडियो। एडवांस लेवल के लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ शामिल किया गया है, इसलिए पूरा वीडियो सभी लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपोजिशन का मीनिंग। अपोजिशन यहाँ पे स्टैंडिंग अपोजिशन है, इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिशन। किंग और किंग के सामने जब एक स्टेप का डिस्टेंस होता है और बीच में एक पॉन है, इसे कहते हैं अपोजिशन। और ये अपोजिशन वर्टिकल अपोजिशन है। हालांकि ये गेम कम्प्लीटली ड्रॉ गेम है, लेकिन कुछ लोगों को ड्रॉ करना आता नहीं है, तो इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप ड्रॉ करें। ये पोजिशन को हम लास्ट में लाएंगे। सबसे पहले आपको किंग को खेलना है बैक साइड। ब्लैक रिप्लाई देगा किंग e7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किंग को अगर साइड स्क्वायर में ले जाएंगे तो फिर लूजिंग पोजीशन आ जाएगी। किंग के सामने ही रखना है वर्टिकल में, चेक देगा तब आपको पॉन को ब्लॉक करना है। किंग को कंपलसरी यहाँ आना पड़ेगा, वरना उसका पॉन हम मार सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखे आपको पॉन की ही लाइन में चलना है जब किंग पॉन के पीछे है। किंग जब साइड स्क्वायर में आता है तभी आपको उसको वर्टिकल में आना है। पॉन चेक देन, और ऐसे ऐसे करके आपको यहां तक लाना है जैसे स्टेलमेट की पोजीशन बन जाएगी। पॉन चेक, किंग से पॉन को ब्लॉक कीजिए, वापस से पॉन की लाइन में किंग। अगर इस साइड आता है तो किंग हम c2 जाएंगे, चेक देगा और किंग से ब्लॉक करेंगे। किंग d1, किंग यहां पे आने से जैसे पॉन और ये इधर और यहां पे कंप्लीटली स्टेलमेट। तो ये पोजीशन ड्रॉ की पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन होती है, वहां पे आप जीत सकते हो गेम। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जैसे कि हम यहां पे देख लेते हैं कि अगर ये पोजीशन है और यहाँ पे सपोज हमारे वाइट के पास एक पॉन है तो ये कंप्लीटली विनिंग पोजीशन। इसमें आपको करना क्या है, जैसे ओके यहाँ पे हम लोड कर देते हैं, चाहे ब्लैक का टर्न हो चाहे व्हाइट का टर्न हो, इसमें मूव इम्पोर्टेंट नहीं है, व्हाइट ऑलवेज विनिंग है इस पोजीशन में। किंग स्लीपिंग जाएगा जैसे, और इसमें आपको साथ साथ में किंग को लाना है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपकी क्वीन बन जाएगी। कई बार ऐसी पोजीशन होती है जैसे मान लो कि यहाँ पे किंग है, पॉन से आगे है, और इस सिचुएशन में अगर ब्लैक का टर्न है तो ही आप जीत सकते हो, व्हाइट का टर्न है तो ड्रॉ ही होगी। देखते ब्लैक के टर्न में किंग d6 तो आपको किंग को फोर्स करना है वापस। किंग अगर स्लीपिंग में जाता है तो आपको यहाँ पे स्लीपिंग लेना है, ना कि सामने जाना है। जीतने के लिए आपको स्लीपिंग पोजिशन कंटिन्यू करनी है। ओके दोस्तों, दूसरे एक एंड गेम बेस्ट बताऊंगा आपको, बिशप वर्सेस रुक। कई लोगों को पता नहीं है कि बिशप वर्सेस रुक ड्रॉ गेम होती है। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, तो किंग को याद रखो, आपके पास अगर बिशप है तो किंग को बिशप के अपोजिट कॉर्नर में ले जाइए, उसके बाद बुक ड्रॉ होती है। इंजन भी यहाँ पे ड्रॉ बता रहा है, जैसे कि ब्लैक चेक दे रहा है और यहाँ से हम लोड करेंगे। ओके सॉरी, अगर व्हाइट का टर्न है तो आपको सिंपल बिशप खेलना है। मान लो कि ब्लैक ने पिन कर दिया तो किंग यहाँ पे ये दो कॉर्नर छोड़ना नहीं है। किंग इधर आता है वापस अंदर, अगर किंग इधर आया तो ड्रॉ स्टेलमेट, ड्रॉ बाय स्टेलमेट। और बिशप को अटैक करने के लिए किंग बाजू में नहीं आ सकता, ये पोजीशन का फायदा हमें मिलेगा। और ये कम्प्लीटली बुक ड्रॉ है। अगर कोई ब्लैक प्लेयर यहाँ से यहाँ आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बिशप b2 ले जाइए, पिनिंग करता है,
तो यहाँ पे आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन इतना सर्कल आपको छोड़ना नहीं है। इसे बुक ड्रॉ कहते हैं और ड्रॉ आप आसानी से निकाल लो। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा रॉन्ग बिशप विथ रुक पॉन। रुक वाले पॉन में ये सारे रूल्स लागू रहते हैं। रॉन्ग बिशप इसकी से कहा जाता है कि जो पॉन क्वीनिंग स्क्वायर लाइट स्क्वायर में डार्क स्क्वायर में बन रहा है और सामने वाले के पास सेम बिशप जो लाइट स्क्वायर का है जो गलत कलर का है, मतलब डार्क स्क्वायर में अगर क्वीन बन रही है तो बिशप भी डार्क स्क्वायर का होना चाहिए, तभी वो क्वीन प्रमोट हो सकती है। लेकिन लाइट स्क्वायर का बिशप है, ये कभी भी क्वीन बना नहीं सकते और ये गेम कम्प्लीटली ड्रॉ होगी। यहाँ से हम ट्राई करेंगे जैसे कि किंग h2, a5, किंग a1। आपको ये कॉर्नर छोड़ना नहीं, इसमें भी ट्राई नहीं करना है कि पॉन को हम पकड़ने जाए, बस कॉर्नर पकड़ के रखो। चाहे ब्लैक कितनी भी मेहनत कर ले वो क्वीन नहीं प्रमोट कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आया, आपको ये कॉर्नर छोड़ना नहीं है। किंग c3 यहाँ पे और ये पॉन पुश, किंग इधर, वापस से पॉन पुश, सपोज किंग इधर और किंग मान लो कि इधर आता है, आप इधर आ जाओ। पॉन पुश करेगा तो स्टेलमेट होगा, बिशप यहाँ चलेगा तो भी स्टेलमेट होगा और कुछ भी मूव करेगा तो आपको स्क्वायर उसे देना पड़ेगा जिससे पॉन प्रमोशन नहीं। मानो कि वेटिंग मूव कर दिया तो आप किंग b1 चले जाओ, जब भी पॉन पुश करता है आप किंग को कॉर्नर में ले जाओ और गेम हो जाएगी स्टेलमेट। तो ये रॉन्ग बिशप का रूल है इसमें। ओके दोस्तों, ये पोजीशन देख के आप जरा सोच लीजिए कि इसमें ब्लैक टू प्ले है तो गेम का रिजल्ट क्या होगा। इस पोजीशन में व्हाइट कम्प्लीटली विनिंग दिख रहा है, जैसे कि रूप और बिशप वर्सेस रूप और बिशप और दो कनेक्टेड पॉन है, लेकिन फिर भी ये गेम ड्रॉ जाएगी। और ड्रॉ कैसे निकालनी है उसके बारे में वीडियो पॉज करके आप खुद ही बोर्ड पे ट्राई कीजिए। आपको अगर ये मूव मिल जाती है तो आप आराम से ये ड्रॉ निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बेस्ट मूव बताऊंगा। यहाँ पे रूप टू a1, रूप f1 और यहाँ पे रूल लागू पड़ेगा रॉन्ग बिशप का। रूप टेक्स रूप, किंग टेक्स रूप एंड बिशप सैक्रिफाइस। अब आप देख सकते हो कंप्लीटली गेम इक्वलाइज हो गए। व्हाइट को कंपलसरी बिशप लेना पड़ेगा और दोनों पॉन हो जाएंगे रूक पॉन, और रूक पॉन होने के बाद ये पॉन बन रहे हैं डार्क स्क्वायर में और व्हाइट के पास बिशप रह जाता है लाइट स्क्वायर का।
तो ये पोजीशन भी ड्रॉ है। अगर व्हाइट ये पॉन बिशप को नहीं लेता तो किंग मूव करेगा तो बिशप टेक्स g2, उसके बाद भी पॉन रुक पॉन रह जाता है, तो ये पोजीशन भी गेम ड्रॉ होती है। ऐसे बहुत सारे जबरदस्त एंड गेम सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी मैं तरह तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।